नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है कन्या लग्न के अंदर सूर्यदेव कैसा रिजल्ट देते हैं। कन्या लग्न का मतलब, लग्न के अंदर अगर छह लिखा है, पहले भाव के अंदर छह लिखा है, तो आप समझ लीजिए कन्या लग्न के जातकों की कुंडली हुई। अब लग्न के अंदर 12 भाव होते हैं, किसी ना किसी भाव के अंदर सूर्यदेव जरूर बैठे होंगे, तो हर भाव में सूर्यदेव का कैसा रिजल्ट रहेगा इसी के बारे में ही मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ बेसिक चीजें हैं वो आप समझ लीजिए, बड़ी आसानी से और बहुत आसानी से और बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझाने जा रहा हूं। अगर आप कल्याण लग्न के जातक हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कल्याण लग्न के जातक कैसे होते हैं। तो कल्याण लग्न के जातक जमीन से जुड़े हुए, दिल के अच्छे, धीरे धीरे प्रगति करके सफलता प्राप्त करने वाले और स्वाभाविक रूप से गंभीर सोचने वाले, इस तरह के जातक होते हैं कन्या लग्न के। बुद्धिमान, गणित, व्यापार, मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छे। अब जो सूर्यदेव होते हैं वो किसकी चीज के कारक होते हैं? तो सूर्यदेव आत्मा के कारक, पिता के कारक, सोना के कारक, जो सोना, जो ज्वेलरी के अंदर जो सोना होता है, गवर्नमेंट नौकरी के कारक, गवर्नमेंट महकमे के कारक, डॉक्टर के कारक, पॉलिटिक्स के कारक, हड्डियों के कारक, दिल के कारक, लीडर के कारक, और लीडर के कारक, स्वाभिमान के कारक, गुस्से के कारक, आत्मबल के कारक, इन सबके जो कारक होते हैं वो सूर्यदेव होते हैं। अब सूर्यदेव 12 भाव में कैसा रिजल्ट देंगे कन्या लग्न के अंदर, इससे पहले दृष्टि, अंश और दशा, इन तीन चीजों को समझ लीजिए। दृष्टि का मतलब, सूर्यदेव अगर लगन में है तो सूर्यदेव की कौन सी दृष्टि होती है? सातवीं। इसका मतलब सूर्यदेव यहां पर बैठे हैं तो यहां के तो रिजल्ट देंगे, यहीं से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पे, तो जहां पे वो बैठे हैं वहां के रिजल्ट देंगे, जहां उनकी दृष्टि जाती है वहां के वो रिजल्ट देंगे। तो एक साथ साथ दो भाव को वो देखेंगे। अंश, हर ग्रह का 0 से 30 के बीच में अंश होता है, इसी प्रकार सूर्यदेव का भी 0 से 30 के बीच में अंश हुआ। तो अगर सूर्यदेव 0 से 2 बाल अवस्था या 29-30 मर्तवस्था में हुए तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे, ना वो अच्छे फल देंगे ना वो बुरे फल देंगे। दशा, उनकी सकारात्मक या नकारात्मक फल जो भी होंगे वो सूर्यदेव की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ही आपको प्राप्त होंगे। अब कन्या लग्न के अंदर सूर्यदेव को 12वां भाव मिला है, जो 12वां भाव होता है कुंडली का वो अच्छा नहीं होता, त्रिक भाव माना जाता है, जहां से मेडिकल एक्सपेंसेस, खर्चे, मानसिक स्थिति, दिक्कत, परेशानी, दंड, ये सब चीजों का पता चलता है। तो कन्या लग्न के अंदर सूर्यदेव अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, पर अगर उनका प्लेसमेंट अच्छा हुआ या वो 6, 8, 12 त्रिक भाव में है और लग्नेश बलवान हुए तो वो विपरीत राजयोग भी बना देंगे। तो आओ समझ लेते हैं एक एक करके। प्रथम भाव के अंदर सूर्यदेव कैसा होगा? तो जातक बहुत पराक्रमी होगा, निडर होगा, लीडर होगा, स्वाभिमानी होगा, गुस्सेल भी होगा, पर जातक के जिंदगी के अंदर वह बहुत लगे रहेंगे। पर अगर सूर्यदेव यहां पे बैठे और उनकी डिग्री अच्छी है और लग्नेश भी मजबूत है तो जातक को विदेश में सेटलमेंट होने का भी मौका मिलता है। जातक की जो वाइफ होगी वो भी काफी अच्छी होगी, तेजस्वी होगी, पर अगर यहां पे गुरु की अगर स्थिति खराब नहीं होगी तो विवाह के बीच में मतभेद भी देखा गया है। दूसरे भाव के अंदर सूर्यदेव कैसा रिजल्ट देंगे? तो यहां पर वो नीच के हो जाते हैं, तो यहां पर कैसा रिजल्ट देंगे? तो यहां पर वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, यहां पे वो नीच के हो जाएंगे। तो जातक की सीधी आंख कमजोर हो सकती है, सीधी आंख में चोट लगने का योग बनता है। जातक की कुटुंब से लड़ाई करेगा, जो जातक धन का बहुत खर्चा करेगा अपने कुटुंब के ऊपर। जातक को सूर्य की दशा, अंतर दशा के अंदर पैसों की किल्लत फील होगी और पैसा कमाने के लिए जातक को बाहर जाना पड़ सकता है, कुटुंब के से दूर जाके जाना पड़ सकता है, पर जातक को वहां पे भी दिक्कत होगी। जातक को दिल से रिलेटेड यानी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। जातक की जो वाणी होगी, अपनी वाणी से काम बिगाड़ लेने वाला होगा जातक, तो यहां पे वो अच्छे फल नहीं देंगे। जातक को सूर्य की दशा, अंतर दशा के अंदर बाधा, ऑब्स्टेकल्स बहुत होंगे, एक बाधा खत्म नहीं होगी दूसरी बाधा स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां पे सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं और उन्हें भाव भी अच्छा नहीं मिला, तो यहां पर वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तीसरे भाव के अंदर सूर्यदेव अपनी मित्र राशि के अंदर, तो यहां पर वो कैसे रिजल्ट देंगे? तो यहां पर वो अगर मंगल की कंडीशन अच्छी हुई तो जातक को यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जातक बहुत पराक्रमी होगा, एक बात तो समझ लीजिए, बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाला होगा। जातक स्वाभिमानी भी होगा, जातक को छोटे भाई बहनों से प्यार करने वाला होगा, पर उनके साथ थोड़े बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पे आके सूर्य कारक हो जाते हैं, तो कारक होने के बावजूद जातक परिक्रमी होगा, जातक को नौकर चाकर का लाभ मिलेगा।
जातक बहुत साहसी होगा, जातक का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होगा, पर जातक के जिंदगी भर खर्चे जरूर लगे रहेंगे। जातक अपनी मेहनत से पैसे कमाएगा और विदेश में भी जाने के योग बनाएगा, तो यहां पे जातक को काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अपने पिता से प्यार करने वाला होगा और जातक को पिता से कारण, और जातक का भी धार्मिक किस्म का भी होगा, और सूर्य की दशांतर दशा के अंदर भाग्य भी जातक का साथ देगी, विदेश यात्रा करने वाला होगा। चौथे भाव के अंदर यहां पे कैसे रिजल्ट होंगे, तो जातक अपने सुख कर प्राप्त करने के लिए बाहर जाने वाला होगा। जातक को सूर्य की दशा अंतर दशा के अंदर कैसे रिजल्ट होंगे, अगर गुरु की कंडीशन अच्छी हुई तो जातक को मकान का सुख, वाहन का सुख का सबका प्राप्त होगा, पर इसमें गुरु की कंडीशन देखनी अच्छी होगी। अगर गुरु खराब हुए तो माता से लड़ाई झगड़े करा देगा और मकान वाहन और पैतृक संपत्ति के लिए जातक को दिक्कत होगी। पांचवें भाव के अंदर सूर्यदेव कैसा रिजल्ट देते हैं, तो पहले संतान का योग बनाते हैं, पहले संतान का योग बनाते हैं, आकस्मिक धन का भी योग बनाते हैं। अपनी पढ़ाई करके जातक बाहर जाने वाला होगा, जातक के जो बच्चे होंगे वो भी बाहर पढ़ने वाले होंगे। जातक की बुद्धि बहुत अच्छी होगी, यारदास काफी अच्छी होगी, पर अगर यहाँ पे शनि की कंडीशन नहीं अच्छी हुई तो जातक को फिर नेगेटिव इंपैक्ट मिलेंगे। अगर उसने म्यूचुअल फंड शेयर में पैसा लगा दिया तो हमेशा उसको दिक्कत ही दिक्कत होगी। और अपने बड़े भाई बहनों से, मित्रों से भी लड़ाई झगड़े का योग बनाता है। छठे भाव के अंदर सूर्यदेव कैसा रिजल्ट देंगे, तो सूर्य यहां पे कारक हो जाते हैं। तृतीय भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर सूर्यदेव कारक हो जाते हैं और यहां पे वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अगर बुध देव की कंडीशन अच्छी हुई तो यहां पे विपरीत राजयोग बनाते हैं, तो ऐसे में कैसा होगा, तो आप ये समझ लीजिए शत्रु के ऊपर जातक विजय प्राप्त करने वाला होगा। इस भाव से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जातक कोर्ट कचहरी में जाएगा पर उसमें जातक को मदद मिलेगी। जातक को कंपटीशन कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, तो नौकरी में जातक को कंपटीशन निकालेगा, नौकरी के अच्छे योग बनते हैं। जातक को नौकर का सुख, जातक को मामा मामी और चाची से बहुत अच्छे योग मिलता है, बहुत अच्छा फल मिलता है। जातक को यहां पे अच्छे मिलेंगे, इनिशियल स्टेज में थोड़ी परेशानी फील कराएगा, बाद में संघर्ष करके परिश्रम करके तमाम सुविधा प्राप्त करने वाला होगा, अच्छा भाग्य को बनाने वाला होगा। सातवें भाव के अंदर सूर्यदेव कैसे रिजल्ट देते हैं, तो यहां पे सूर्यदेव हैं तो अपनी मित्र राशि के अंदर, पर वो बार बार तृक भाव के मालिक हैं, तो यहां पे सूर्यदेव वाइफ से जरूर मतभेद कराएंगे। वाइफ के साथ हमेशा ईगो को लेके लड़ाई होती रहेगी, एक दूसरे के बीच में ईगो आएगी और उसको लेके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और अगर गुरुदेव तृक भाव में चले गए तो यहां पे दो शादी के योग बनते हैं, शादी टूटवाने के भी, शादी भी टूट सकती है जातक की, या फिर सगाई होके टूट सकती है। इस तरह के रिजल्ट देखे गए हैं। और पार्टनरशिप कभी ना करें, पार्टनरशिप करेंगे तो उसमें दिक्कत ही दिक्कत आएगी, जातक के पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे और उसको आमदनी नहीं होगी। आठवें भाव के अंदर सूर्यदेव ऑब्स्टेकल पाथ करेगा, एक एक बाधा खत्म नहीं होगी, दूसरे उसके सिर पे आ जाएगी। जातक को हमेशा परेशानी होगी, बीमारी हो सकता है, जातक स्वास्थ्य को लेकर हमेशा दिक्कत रहेगा, पर अगर लग्नेश मजबूत हुए, बुद्धदेव मजबूत हुए, तो जातक इनिशियल स्टेज में परेशानी करके फिर तमाम सुख सुविधा की प्राप्ति करने वाला होगा। सीधी आंख में चश्मा लगाने का योग बनता है। नवम भाव के अंदर सूर्यदेव यहां पे वो कारक हो जाते हैं, तो जातक विदेश की यात्रा करके विदेश में सेटलमेंट होना का योग बनाता है। जातक को यहां पे बहुत अच्छे योग बनाते हैं, जातक बहुत भाग्यशाली होता है, मां बाप का खासतौर से पिता का लाभ मिलता है जातक को, पिता से प्यार करने वाला होता है, गुरुजनों को मानने वाला होता है और स्वाभिमानी किस्म का होता है, तो यहां पे जातक को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहां पे अच्छा माना जाता है, जातक काफी यहां पे धार्मिक भी होगा और सूर्य के दशा अंतर दशा के अंदर जातक का भाग्य भी उदय होगा। सूर्यदेव दशम भाव के अंदर कैसा देंगे, तो जातक को गवर्नमेंट नौकरी का भी योग बनाते हैं, और अगर यहां पे लग्नेश मजबूत हुए तो जातक बहुत बुद्धिशाली होगा, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने वाला होगा, अपनी बुद्धि के कारण यहाँ पे जातक को बहुत अच्छा योग मिलता है। पर अगर यहाँ पे लग्नेश मजबूत नहीं हुए तो फिर व्यापार के अंदर स्टेबल नहीं होने देगा, या नौकरी कर रहे होंगे तो उसमें स्टेबल नहीं होने देगा। 11वें भाव के अंदर कैसा देंगे सूर्यदेव रिजल्ट अपनी मित्र राशि के अंदर, तो यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा जातक को, छोटे बड़े भाई बहनों से लाभ भी प्राप्त होगा। और पर लाभ कब प्राप्त होगा, अगर जातक बाहर रहता होगा तो उसको लाभ प्राप्त होगा,
बाहर जाके जो अपना खर्चा होगा वो अपने भाई के साथ, भाई के ऊपर लगाने वाला या भाई के साथ खर्चा करने वाला होगा, भाई के साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाला होगा। जातक को अपने बड़े भाई बहनों के भी अच्छा योग मिलता है यहाँ पे, पर अगर चंद्रमा कमजोर हुए तो फिर अपने भाइयों से लड़ाई करवा देगा और मत भाइयों के बहनों के बीच में मतभेद करा देगा और मित्रों से छल खाने का योग बनाता है और लाभ कभी होने नहीं देगा, जो उसकी इच्छा होगी वो कभी पूरी नहीं होगी। 12वें भाव के भी अंदर सूर्यदेव विपरीत राजयोग बनाता है, लग्नेश मजबूत हुए तो जातक को विदेश से बहुत कामयाबी मिलेगी, विदेश में काफी धन अर्जित करेगा। इनिशियल स्टेज में परेशानी, उसके बाद जातक को सुख मिलेगा। लग्नेश मजबूत नहीं हुए तो जातक के मेडिकल एक्सपेंसिस पे खर्चे, अपने कुटुंब पे खर्चे, बाहर जाके भी दिक्कत और कोर्ट कचहरी में जातक को डाल देगा, शत्रु का भय बना रहेगा, बीमारियां जातक को हमेशा ग्रसित होगी। और अगर यहां पे भी रह गए, राहु बैठ गए तो सूर्य ग्रहण का योग बनाता है, जातक को बहुत प्रॉब्लम होगी, हृदय से लेके प्रॉब्लम हो सकती है, साथ साथ बड़ी छोटी आंख में कमजोरी का योग बनाता है, तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं देगा सूर्यदेव। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।